नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक बॉय ऋषि, मैं ऋषि। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में अनबॉक्स करूंगा एक सेल्फी स्टिक, जिसे कि मैंने मंगाया अपनी यूट्यूब की वीडियो शूट करने के लिए। तो अगर आप भी यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं या फिर फेसबुक बनाते हैं या फिर अदर, जैसे मान लीजिए आदमी घूमने जाता है या फिर शादी ब्याह का भी एक रिकॉर्डिंग करता है, तो उसके लिए काफ़ी अच्छी ये सेल्फी स्टिक पड़ेगी, जो कि काफ़ी कम प्राइस में है। तो इसकी अनबॉक्सिंग आप देखेंगे इस वीडियो में। साथ ही साथ बता दूं मैं आपको कि इसके अलावा मेरे पास एक सेल्फी स्टिक है, जैसे कि मैंने मंगाया था साल डेढ़ साल पहले लगभग, और मैं इसको यूज भी कर रहा हूँ। काफ़ी लो प्राइस का ये भी है। तो अगर आपको ये वाला लेना हो तो इसका वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। आप ये वीडियो देख के इसको आप देख सकते हैं वीडियो को कि किस तरह से ये सेल्फी स्टिक है। अगर आपको ये लेना हो तो इसकी अनबॉक्सिंग आप इस वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ मिलता है नॉलेज मिन गए कॉलेज। तो ये देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह की पैकिंग में आया हुआ है, फ्लिपकार्ट से मैंने मंगाया है। तो काफ़ी हल्का इसका वेट है, तो चलिए इसको फटाफट मैं ओपन करता हूँ। तो दोस्तों, बॉक्स ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से सेल्फी स्टिक रखा हुआ अंदर नज़र आता है। इसके अलावा बॉक्स में कुछ नहीं है, तो इसको मैं साइड कर देता हूँ। ये देखिए सेल्फी स्टिक ये है, यहाँ पर आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। इसमें देखिए नीचे तीन लेग दिए हुए हैं, यानी ये सेल्फी स्टिक जो है वो ट्राइपॉड भी बन जाएगा। उसके अलावा देखिए ट्राइपॉड बनने के बाद कुछ इस तरह का दिखाई देगा। सारी चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं कि साइज कितना है, और सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है, मेड इन चाइना प्रोडक्ट है, सामने आपके है। तो ये सारी चीज़ें हैं, चलिए मैं इसको ओपन करता हूँ। ये देखिए एक वायर दिया हुआ है, इसका काम क्या है मैं बताता हूँ आपको वीडियो में आगे। उसके अलावा इसमें एक यूजर मैनुअल दिया हुआ है चाइनीज़ और इंग्लिश लैंग्वेज में, तो ये जिसको देख के आप इसको यूज कर सकते हैं। तो इसको भी मैं साइड रख देता हूँ। तो ये रहा अपना सेल्फी स्टिक और ट्राइपॉड, इसको ट्राइपॉड भी बोल सकते हैं, सेल्फी स्टिक बोल सकते हैं, कि कोई डुअल ये चीज़ है। देखिए कुछ इस तरह से ये है। यहाँ पे देखिए एक एलईडी लाइट दिया हुआ है, जिससे कि आप रात में भी शूटिंग कर सकते हैं अपनी वीडियो की। इसमें दो लेयर दिए हुए हैं लाइट के, ये कम एक ज़्यादा। उसके अलावा देखिए इसको मैं खींचता हूँ बाहर, इसकी लेंथ ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा लंबाई ये नहीं है, क्योंकि ये जो लेग इसके हैं 1 2 3 4 लेग हैं इसमें, इसकी लंबाई ज़्यादा नहीं है। तो आपको लगता है कि बहुत लंबा ये है, तो वो नहीं है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। सेकंड चीज़ देखिए यहाँ पे दिया हुआ है इसका रिमोट, जिससे कि आप कनेक्ट करके ब्लूटूथ के माध्यम से आप इसमें फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छा है। इसमें एक बैटरी लगती है, जिससे कि आपको चेंज करना पड़ेगा जब भी आपकी बैटरी ख़राब होगी। तो इसको मैं रख देता हूँ अंदर। उसके अलावा मैं आपको इसको बंद करके दिखाता हूँ। जब भी कोई सेल्फी स्टिक लीजिए तो ये ध्यान दीजिएगा उसका ये सिरा काफ़ी अच्छा होना चाहिए, वरना अक्सर मैंने जो मेरा ये वाला सेल्फी स्टिक था इसमें यही प्रॉब्लम आई कि ये वाला इसका काम सही से नहीं कर रहा था, तो इसलिए मैंने ये मंगाया। वरना वो भी काफ़ी अच्छा सेल्फी स्टिक है, वो भी कम प्राइस में। तो एक बार इसके भी वीडियो देख लीजिएगा आप। अगर आपको सस्ते में चाहिए तो ये भी ले लीजिएगा। इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ लगभग साल सवा साल हो गया मैं यूज़ कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छे से चल रहा है। उसके अलावा इसमें देखिए जो ये लाइट दिया हुआ है, ये डाटा केबल का क्या काम है, डाटा केबल से ही इसको चार्ज करेंगे। आप देखिए यहाँ पे जैक दिया हुआ है, तो इसमें लगा के आप इसको चार्ज करेंगे। एडाप्टर आपका जो फ़ोन वाला है उसी से ये चार्ज हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें अच्छी। उसके अलावा मोबाइल अपना यहाँ लगा सकते हैं आप। ये चीज़ काफ़ी देखिए यहाँ पर लंबा दिया हुआ है काफ़ी, और काफ़ी ठीक ठाक अच्छी क्वालिटी का है, तो आपका फ़ोन कितना भी बड़ा हो तो उसको ये संभाल लेगा। तो इस तरह से सबसे अच्छी बात ये लगे कि ये बहुत छोटा है साइज में, देखिए आप कितना छोटा ये है, बिल्कुल एक उंगली बराबर है लगभग, ये एक बित्ता बराबर। तो ये चीज़ है। उसके अलावा देखिए इसमें तीन लेग दिए हुए हैं, जिसको ओपन करके आप इसको चाहें तो एक अपना ट्राइपॉड बना सकते हैं। कहीं अगर आपको वीडियो शूट करना हो, मान लीजिए किसी होटल पे गए हैं या कहीं घूमने घामने गए हैं, तो भी इसको पॉकेट में आराम से लेके आप किसी भी चीज़ से जाएंगे तो आराम से लेके इसको आप चाहें तो इसको आप ट्राइपॉड बना के अपनी वीडियो शूट कर सकते हैं। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी इसमें, क्योंकि सेल्फी स्टिक और ट्राइपॉड अलग अलग लेके चलना बड़ा मुश्किल होता है, ट्राइपॉड को वैसे भी लेके कैरी करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो ये चीज़ इसमें काफ़ी अच्छा है, तो इसको आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, और काफ़ी ठीक इसका ये है। उसके अलावा इसमें हाइट की बात करें तो इसकी हाइट भी बढ़ जाएगी, जैसे कि मान लीजिए आपको जितना ऊपर करना है उतना ऊपर कर सकते हैं। उसके अलावा ये कई लोगों के लिए टेबल लैम्प का भी काम कर सकता है, इस तरह से आप चाहें तो पढ़ाई उड़ाई कर सकते हैं, अपना टेबल लैम्प का भी काम कर जाएगा। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। तो चलिए मैं आपको रात में दिखाता हूँ कि किस तरह से ये आउटपुट देता है, किस तरह से इसका रिजल्ट आता है रात में। तो इस समय रात के 12:30 बजे से ऊपर हो चुके हैं, चारों तरफ सिर्फ अंधेरा है, आप देख सकते हैं घनघोर अंधेरा। तो इसकी लाइट मैं चालू करके दिखाता हूँ कि किस तरह से ये लाइट देता है।
तो ये देखिए पहला इसका मैंने ऑन किया है, ये पहला इसका स्टेज है। इसमें दो पॉइंट दिए हुए हैं, तेज एक कम वाला, तो ये कम वाला मैंने चालू किया है। तो इसकी लाइट देख लीजिए कैसा लाइट है इसका। अब मैं आपको इसका बढ़ा हुआ लाइट दिखाता हूँ, यानी जो दूसरा इसमें दिया हुआ है लाइट तेज करने वाला, उसको मैं दबा के दिखाता हूँ कि किस तरह से लाइट देता है ये। तो इस तरह से देखिए ये पूरा मैंने लाइट ऑन कर लिया है। बाकी आप आसपास का नज़ारा देख लीजिए, पूरा रात है इस समय। तो आपको अगर ये सेल्फी स्टिक प्लस ट्राइपॉड लेना हो तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं, या आप खुद भी फ्लिपकार्ट या किसी भी अदर साइट पे आप सर्च कर सकते हैं कि कैसा है ये कैसा नहीं है जो भी है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो कर दीजिएगा लाइक, कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। इसके अलावा अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ मिलता है आपको पूरा ज्ञान।